हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी आप सब लोगों से कि मैंने एक फूड प्रोसेसर लिया है जिसका नाम है वनो मैक्सी प्लस V2 फूड प्रोसेसर। 700 वॉट का है ये। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं इसमें कुछ फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ। कुछ फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में आलू की कटिंग करते हैं। तो मैंने ले लिया है फ्रेंच फ्राइज़ का एक कटर, ये मैंने इसे ऐसे फिक्स कर दिया है और इसके नीचे की ये जो अटैचमेंट है ये मैंने ऐसे लगा दी है। अब इसे मैं इसके ब्लेड में रखने जा रही हूँ और इसके बाद मैं इसका ये जार का ढक्कन लगा दूंगी, जो कि बिल्कुल हमें एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। हमें ये जो मार्किंग है इसे मैच करके इसे एंटी क्लॉकवाइज लॉक कर। ये देखिए, ये देखिए, अब ये लॉक हो गया। तो अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी प्रोसेसिंग बाउल जब भी स्टार्ट करें तो ये साइड वाला जो जार है ग्राइंडिंग के लिए जो दिया हुआ है इसे बिल्कुल आप लॉक कर लें। तो मैंने, चलिए अब मैं इसमें पोटैटोज डालूंगी। हमें इसे ओपन करना है तो हमें ये बटन को करना पड़ेगा प्रेस। इसी के बाद हमारा ये खुलता है। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे ये स्लाइस बन के तैयार हुए हैं। फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल अपने शेप में कटे हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी आगे वीडियोस में इसका यूज़ करके दिखाऊंगी, इस फूड प्रोसेसर का। तब तक के लिए थैंक यू।